हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कामधेनु वेंचर कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। शेयर प्राइस 338 रुपये है और एक दिन में ऑलमोस्ट 10% की यहां तेजी देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 12% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 1 महीनों में 12.5% के रिटर्न, पिछले 6 महीनों में ही ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया है, पिछले 1 साल में 78% के रिटर्न, 5 सालों में 80% के रिटर्न, ऑलमोस्ट मैक्सिमम रिटर्न 80% यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कंटिन्यूस जनवरी 2023 से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। तब इस स्टॉक की कीमत मात्र 188 रुपये थी, अभी एक 338 रुपये देखने को मिला है। तो क्या इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो जैसा कि यहाँ कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स की बात करें, तो ये जो कंपनी है यहाँ पे पेंट सेक्टर में काम कर रही है, जैसे कि ड्यूअल पेंट सीरीज, डिजाइनर फैशंस, एक्सटीरियर इमोल्यूशंस रेंज, इन सभी में कंपनी काम कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम है, 877 करोड़ का है। स्टॉक का लो 126 रुपये, स्टॉक का है 340 रुपये। स्टॉक के पीई की वैल्यू अभी यहाँ नहीं दी हुई है, बुक वैल्यू 29.9 है, डिविडेंड यील्ड 0 है, कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है, आरओसी नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव देखने को मिला, प्रमोटर होल्डिंग 50% है और डेब्ट की बात करें तो 56 करोड़ का यहाँ पे डेब्ट है और प्रमोटर्स ने 8.5% के स्टेक्स यहाँ पे सेल आउट किए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की, तो कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट है वो भी काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का लॉस हुआ है मार्च 2023 में। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 11 करोड़ का लॉस हुआ है। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट 57 करोड़ का यहाँ पे डेब्ट है और 67 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व्स है, यानी ऑलमोस्ट जो रिजर्व्स है काफ़ी कम है और बोरिंग्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। और यहाँ बात करें प्रमोटर की, तो प्रमोटर्स के पास 50% के स्टेक्स है, काफ़ी शेयर्स प्रमोटर्स ने विड्रॉ किए हैं। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के पास 14.60% के स्टेक्स हैं, डीआईज के पास 0% है, डीआईज ने यहाँ पे पैसा निकाल लिया है। और पब्लिक के बात करें तो पब्लिक के पास 35% के स्टेक्स हैं, यानी ऑल ओवर इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स आप देख रहे हो काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे बात करें बीएससी पर, तो बीएससी पर यहाँ हम देखते हैं कि कंपनी ने कब डिविडेंड बोनस स्टॉक स्प्लिट किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो कंपनी है 1 अगस्त को 1:1 का बोनस लेके आने वाली है। अगर आप बोनस के लिए इस कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो आप थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे ही कंपनी को आप अवॉइड कीजिए जिस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट नेगेटिव हो। थैंक यू दोस्तों।